Hello friends, this is Mr. Indresh Kumar Kapupra. I welcome you cordially at the platform of Birma Career Academy. Today I will discuss with you about a very significant topic of SST. The name of this topic is Rowlatt Act. The part of SST is History, Class 10th, and I will elaborate this topic in details. So I want that those students who are preparing for pre-foundation, NTSC, Olympiad, etc. can get the full knowledge about the Rowlatt Act. मैं जानता हूँ कि आप Rowlatt Act के बारे में बहुत पहले से सुनते हैं, काफ़ी सुना आपने, but it is compulsory that you have depth knowledge about this topic. So, let's then come to the topic. It is the time of World War. 1918 की बात है, World War का time चल रहा था. और वर्ल्ड वार के टाइम में इंडिया के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको हेल्प दी जा रही थी जर्मनी से, अमेरिका से, इधर से रशिया के द्वारा. और आप जानते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन फ्रीडम फाइटर्स से बहुत परेशान थी. इंडियन फ्रीडम फाइटर्स हैड एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन नॉट ओनली इन इंडिया बट दे ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन आउट ऑफ इंडिया, लाइक द गदर पार्टी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई लाला हरदयाल इन द यूएसए. तो इस प्रकार से द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन फ्रीडम फाइटर्स, इंडियन नेशनलिस्ट से परेशान हो चुकी थी. ये फ्रीडम फाइटर्स मूवमेंट लॉन्च कर रहे थे, इतना ही नहीं बट दीज वर ऑल्सो किलिंग टू मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स ऑल्सो. इन सच कंडीशन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि हमें कुछ ऐसा कोई एक्ट स्ट्रिक्ट पास करना चाहिए जिससे ये जो एंटी ब्रिटिश मूवमेंट चल रहे हैं, ये जो इंडियन नेशनलिस्ट है, इनको कंट्रोल किया जा सके. ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स एक आता है, कमेटी आती है एंड द नेम ऑफ दिस कमेटी इज Rowlatt कमेटी. Rowlatt कमेटी, मोस्ट ऑफ अस इट इज कंपल्सरी फॉर एस दैट व्हाई द नेम Rowlatt कमेटी वाज गिवन. ये नेम जो Rowlatt है कमेटी, इसमें Rowlatt का मीन क्या है, तो आपको यहां पे याद रखना है कि सर सिडनी Rowlatt वाज द रिटायर्ड जज ऑफ ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट. ये ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे. इनके लीडरशिप में देर वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमेटी. क्योंकि इनका लास्ट नेम सरनेम Rowlatt था, सो ये कमेटी कहलाई Rowlatt कमेटी. एंड सर सिडनी Rowlatt बिकेम द चेयरमैन और द हेड ऑफ दिस कमेटी. दिस कमेटी वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 10 दिसंबर 1917. इस कमेटी को क्या काम दिया गया था और इसने इसकी जो ड्यूटी थी, यू आर टू रिमेंबर कि इंडिया में जो एंटी ब्रिटिश मूवमेंट, एंटी ब्रिटिश एटमोस्फियर क्रिएट हो रहा है, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, बस इसके लिए सजेशन देना था, कोई एक्ट बनाने हेतु अपना प्रपोजल रखना था. इन्होंने पूरे मैटर का जांच की, इन्वेस्टिगेशन की और उसके बाद में इस कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट है वो ब्रिटेन में जो इसके इंचार्ज थे या यूं कहें इंपीरियल काउंसिल में रखी. और इंपीरियल काउंसिल ने इसको क्या है, इस कमेटी को इंपीरियल काउंसिल ने इमीडिएटली पास कर दिया. मोस्ट ऑफ अस यू आर टू रिमेंबर दैट द प्रपोजल और द सजेशन पुट फॉरवर्ड बाय Rowlatt कमेटी वाज प्रेजेंटेड इन इंपीरियल काउंसिल वेयर इट गॉट पास्ड इमीडिएटली. इसमें जो माइनर इंसिडेंट्स थी भारत में हो रही थी, भारत के फ्रीडम फाइटर्स द्वारा जो भी छोटी छोटी घटनाएं घटित हो रही थी, उनको बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया था Rowlatt एक्ट के द्वारा, सो दैट ब्रिटिश जो रॉयल कमेटी उसको तुरंत पास कर दे. और वही हुआ, द रॉयल इंपीरियल कमेटी पास्ड इट इमीडिएटली. उसके बाद में फ्रेंड्स इसे भेजा गया था इंडिया में. इंडिया में आने के बाद में यू आर टू रिमेंबर हियर, क्या याद रखना आपको, दैट उसमें इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ इंडिया फॉर स्टेट थे एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू एंड एट द सेम टाइम हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया. यू आर टू रिमेंबर जेम्स फोर्ड वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया. अब जब इंडिया की सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में आया, तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इसको 6 फरवरी 1919 को क्या है, पास कर दिया. यू आर टू रिमेंबर वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, 6 फरवरी 1919 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल विच इज लोकेटेड इन इंडिया पास्ट इट. अब बात यहां पे आती है कि
ये जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है, वी नो दैट मेनी इंडियंस वर द मेंबर्स ऑफ दिस कमिटी एंड व्हेन द इंडियन मेंबर्स रीड अबाउट द टू बिल्स, यहां पे टू बिल पे प्रेजेंट किए गए थे, व्हेन द इंडियंस रीड अबाउट दिस टू बिल्स देन द इंडियंस वर वेरी एग्रेसिव, द इंडियंस बिकम वेरी एंग्री अगेंस्ट दिस लॉ. रीजन क्या था इंडियंस के नाराज होने का? आई टेल यू दैट कि इसमें जो प्रोविजंस लिखे गए थे वो बहुत ही गलत थे. वो प्रोविजंस क्या थे आई विल एक्सप्लेन बिफोर यू. यू हैव टू रिमेंबर कि यहां पे जब व्हेन द इंडियंस वर प्रोटेस्टिंग अपोजिंग स्ट्रॉन्गली इन स्पाइट ऑफ द स्ट्रॉन्ग अपोजिशन ऑफ द इंडियंस, ये बिल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या है पास हो गया. और फ्रेंड्स जैसे ये पास हुआ उसके बाद में इंडियंस जो मेंबर्स थे उस काउंसिल में उन्होंने क्या है रिजाइन करना स्टार्ट कर दिया. यू आर टू रिमेंबर दैट यहां पे मोहम्मद अली जिन्ना, दिस पर्सन ऑल्सो रिजाइन. देर आप टाइम से मजहर उल हक दिस पर्सन ऑल्सो रिजाइंड एंड मदन मोहन दीज वर थ्री पर्सन्स मालवीय. ऑल दीज थ्री पर्सन्स रिजाइंड फ्रॉम द काउंसिल विद अदर पर्सन्स बिकॉज मोस्टली पर्सन्स रिजाइंड फ्रॉम द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू प्रोटेस्ट दिस बिल. Still, the British government, or you can understand the Indian British government, passed it in spite of the strong opposition. You have to remember कि इन लोगों ने जम के इसका विरोध किया था और इन्होंने रिजाइन दिया था. उसके बाद में क्या होता है dear friends, you have to remember महात्मा गांधी एस्टेब्लिश्ड है सत्याग्रह कमिटी और यू कैन अंडरस्टैंड सभा ऑन 24 फरवरी 1919 इन मुंबई. ओके, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द व्यू ऑफ योर ओलंपियाड एनटीएससी एंड प्री फाउंडेशन एग्जाम्स फ्रॉम द एसएसटी हिस्ट्री टॉपिक. महात्मा गांधी एस्टेब्लिश सत्याग्रह सभा और कमेटी ऑन 24 फरवरी 1919 इन मुंबई. ओके, देयर आफ्टर यू आर टू रिमेंबर ऑल्सो ऑन 6 अप्रैल महात्मा गांधी ऑब्जर्वड इट. इस दिन महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल को किस रूप में मनाया? यू आर टू रिमेंबर ब्लैक डे. इनको ब्लैक डे के रूप में मनाया और 6 अप्रैल को महात्मा गांधी ने डिक्लेरेशन की दैट देयर शुड बी नेशन वाइड लॉकडाउन, यानी पूरी इंडिया को लॉकडाउन करने की डिक्लेरेशन महात्मा गांधी ने की और लोगों ने इसकी क्या है महात्मा गांधी इस ऑर्डर को ओबेड किया, पालना की. ओके, ऑल द शॉप्स वर क्लोज्ड बिसाइड्स अदर कॉमर्शियल बिल्डिंग्स एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज. कुल मिला के डिमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट हो गया. अब आपको एक पॉइंट और मैं बता देता हूं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू ऑफ एग्जाम. इस एक्ट का ऑफिशियल नेम क्या है? ये जो रोलेक्ट एक्ट है, यू आर टू रिमेंबर इट्स ऑफिशियल नेम इज व्हाट इज द एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी द एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1919. दिस इज द ऑफिशियल नेम ऑफ रोलेट एक्ट. ओके, बिकॉज दिस क्वेश्चन कैन बी asked from you in the exam, so I won't let you put into your mind fully. Next topic is that Mahatma Gandhi ne pure desh mein iska kya hai ke order pe pure desh mein iska opposition start ho gaya tha. Thereafter kuch isse related important topics hai. Ye jo Rowlatt Act pass hua tha,
रोलेट एक्ट पास हुआ था, इस रोलेट एक्ट के मेन मेन प्रोविजंस क्या थे, और आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माई मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ ऐसे राइट्स थे जो इस एक्ट के अंडर में पास कर दिए गए। सो नाउ आई विल हाईलाइट दोज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एक्ट, यानी इस एक्ट में क्या क्या प्रोविजन था और उनका रिजल्ट क्या निकला। आई वॉन्ट दैट यू लिसन दिस केयरफुली। फर्स्ट पॉइंट, जब यह पास हुआ तो इसका प्रोविजन रखा गया था, फर्स्ट पॉइंट इज कि कोई भी पर्सन अरेस्टेड किया जा सकता है, कोई भी पर्सन अरेस्टेड किया जा सकता है, ठीक है, विदाउट क्राइम, यानी उसने कोई क्राइम नहीं किया हो, उसका कोई गिल्ट यानी दोष नहीं है। किस बेस पे? बेस था सिर्फ किस बेस पे वो अरेस्ट किया जा सकता है, डाउट मींस ब्रिटिश गवर्नमेंट को अगर डाउट भी हो गया कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो उस बेस पे वह किसी भी इंडियन पर्सन को क्या है, अरेस्ट कर सकती थी। ओके, अब ये तो हो गया अरेस्ट करने का। दूसरा, इसमें एक टॉपिक आता है नो अपील एंड इसके बाद में 2 years डिटेनमेंट। 2 years डिटेनमेंट मीन्स किस पर्सन को अरेस्ट किया गया है, डाउट के बेस पे ओनली, चाहे वो उसमें टेररिस्ट एक्टिविटीज में इंक्लूड है, इन्वॉल्व है या नहीं है, बस उन्होंने डाउट पे उसको अरेस्ट कर लिया। अब ऐसी कंडीशन में उसको 2 years तक मैक्सिमम ब्रिटिश गवर्नमेंट उस इंडियन को जेल में रख सकती है, डिटेनमेंट मीन नजरबंद करना। ओके, और अब जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है वह अपील नहीं कर सकता, और साथ ही साथ यू हैव टू रिमेंबर दैट उसको यह भी राइट नहीं है कि मेरे खिलाफ किस पर्सन ने कंप्लेंट की है, यह भी वह पता नहीं लगा सकता। ये दीज प्रोविजंस वर द पार्ट ऑफ रोलेट एक्ट। इसके बाद में फ्रेंड्स कुछ और टॉपिक आता है, विच आर दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक आई टेल यू। नेक्स्ट है पैनल कोर्ट इन विच देर वर थ्री जजेज। पैनल कोर्ट बनाई गई जिसको अपन फास्ट ट्रैक कोर्ट कह सकते हैं, और यानी जो भी इंडिया के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको डाउट पे अरेस्ट करो, उनको पूरी तरह स्प्रेस करना है, दबा देना, कुचलना है, बस ये टारगेट था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। पैनल कोर्ट बनाएगी ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा जिसमें 3 judges थे। और यहां पे यू आर ऑल्सो रिमेंबर वन थिंग दैट कि इंडियन एविडेंस एक्ट में जो बातें, जो फैक्टर जो शामिल थे, शामिल नहीं थे, दोज फैक्टर्स विच वर नॉट इंक्लूडेड इन द इंडियन एविडेंस एक्ट, उनको इस पैनल कोर्ट ने उन एविडेंस को इंक्लूड किया। यानी इंडिया के लोगों को अगर हमें फ्राइटन करना है, धमकाना है, डराना है, तो हमें सब कुछ करना होगा, ये टारगेट था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। उसके बाद में देयर आफ्टर व्हाट हैपेंड, उसके बाद में जब इसका यानी देखिए इसका जो मैक्सिमम जो मिस इंपैक्ट पड़ा था उसको 2 states पे ज्यादा था, क्योंकि एक था उसमें बंगाल, फर्स्ट वाज बंगाल एंड सेकेंड पंजाब। ये 2 ऐसे state थे जहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में सबसे ज्यादा मूवमेंट्स हो रहे थे, सबसे ज्यादा एक्टिविटीज चालू थी। इस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो हाईलाइट था, वो पूरा अटेंशन था, वो था इन 2 states पे। ओके, अब पूरी इंडिया के अंदर इस एक्ट के खिलाफ विरोध शुरू हो गया। ऑन द ऑर्डर ऑफ महात्मा गांधी पूरे देश में लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, जगह जगह डिमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट हो गए, लोगों ने क्या है लॉकआउट कर दिया, पूरी तरह से इसका क्या है ऑपोजिशन स्टार्ट हो गया। पंजाब के अंदर देयर वर 2 freedom fighters, फर्स्ट डॉक्टर सत्यापाल एंड सेकंड वर डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ओके, दीज वर टू फ्रीडम फाइटर्स हु बिलोंग टू द कांग्रेस पार्टी एंड दीज वर ऑल्सो प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस ब्लैक लॉ इन पंजाब। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि इन दोनों के कारण पंजाब का जो एटमोस्फियर है वो बहुत ही
खराब हो गया है, क्रिटिकल हो गया है। ऐसी कंडीशन में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, इन दोनों पर्सन को अरेस्ट कर लिया। बोथ वर अरेस्टेड, व्हेन दीज वर अरेस्टेड, दीज वर अरेस्टेड ऑन 10 अप्रैल 1919। एंड आई टेल यू, एक क्वेश्चन बनता है कि उनको एक अननोन प्लेस पे ले जाया गया, वो अननोन प्लेस कौन सा था, वेयर दीज पर्सन्स वर डिटेंड, ये था। यू आर टू रिमेंबर द नेम ऑफ दिस प्लेस, धर्मशाला, दैट इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एट प्रेजेंट। डॉक्टर सैफुद्दीन एंड सत्यपाल किसलू को डिटेन यानी उनको अरेस्ट करके यहां पे रखा गया था। व्हेन दीज बोथ वर अरेस्टेड देन अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन पर्सन्स बिलोंगिंग टू द कांग्रेस एंड अदर पार्टीज स्टार्टेड टू अपोज द ब्रिटिश गवर्नमेंट। पहले एक एटमोसफियर खराब था ब्लैक बिल के कारण, ऊपर से इनको अरेस्ट कर लिया गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या रिजल्ट निकलता है, ऐसी कंडीशन में अमृतसर के जलियांवाला बाग में क्या है, आफ्टर थ्री डेज 10 अप्रैल को अरेस्ट किया गया, आफ्टर थ्री डेज 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मैसेकरी होती है, क्योंकि इन दोनों के अरेस्ट के ओपोज में लोग 13 अप्रैल को पंजाब के जलियांवाला बाग में असेंबल्ड होते हैं, जेंट्स लेडीज चिल्ड्रन सब होते हैं वहां पे, बट उनके साथ क्या होता है, यू नो दैट वो मैसेकरी के विक्टिम हो जाते हैं, दे वर किल्ड इन लार्ज नंबर। फ्रेंड्स, उनके बाद में देश का एटमोसफियर ऑलरेडी जो खराब था वो डिट्रियोरेट हो जाता, यानी कंडीशन जो थी इंडिया की वो वर्ष से वर्ष हो जाती है। इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज परसिविंग द क्रिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल्ट दैट नाउ वी शुड हैव टू टेक एन स्ट्रिक्ट स्टेप अगेंस्ट दिस एटमोसफेयर। इस एटमोसफेयर को अगेंस्ट में या इसको इंप्रूव करने के लिए हमें कुछ करना होगा। उनको यह फील हो गया कि हमने जो लॉ बनाए हैं वो बिल्कुल गलत बनाए हैं, इंडियंस इसका जब अपोज कर रहे हैं वो सब क्या अपोज इससे अगेंस्ट हैं, हमने फिर भी इसको पास किया। अब देखिए, महात्मा गांधी ने जो बात कही थी 24 अप्रैल 1919 को, उन्होंने दे ही कॉन्स्टिट्यूटेड सत्याग्रह। उस समय महात्मा गांधी सेड दैट वी शुड अडॉप्ट द मेथड ऑफ नॉन वायलेंट एंड पीसफुल टू प्रोटेस्ट द रोलेट बिल के लिए हम ये तरीका अपनाना है। बट महात्मा गांधी इस मेथड का कुछ ने प्रोटेस्ट किया, कुछ ने क्या है सपोर्ट किया। आई वॉन्ट दैट, ये बात भी आपको याद रखनी है। अब महात्मा गांधी ने जब कहा कि हमें नॉन वायलेंट एंड पीसफुल मेथड से ब्लैक बिल का अपोज करना है, तो इसके जो सपोर्टर थे वो कौन थे, यू आर टू रिमेंबर ऑल द मेंबर्स, ठीक है ना, ऑल द मेंबर्स ऑफ होम रूल लीग। होम रूल लीग के जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने महात्मा गांधी की बात का सपोर्ट किया। उसके बाद में ओपोजिशन, यानी महात्मा गांधी इसके बात का ओपोजिशन विरोध की इन्होंने किया, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी आपको याद रखना चाहिए। यू आर टू रिमेंबर श्रीनिवास शास्त्री दिस अपोज्ड देर आफ्टर तेज बहादुर सप्रू, दिस पर्सन ऑल्सो अपोज, देर आर टू पर्सन ऑल्सो हु अपोज द थिंग सेड बाय महात्मा गांधी, दिस वॉज सर डी ई वादी, दिस पर्सन ऑल्सो अपोज्ड। एंड पॉइंट फोर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दीज वर दोज पर्सन हु अपोज्ड द थिंग सेड बाय महात्मा गांधी दैट वी शुड प्रोटेस्ट द ब्लैक लॉ अडॉप्टिंग द मेथड ऑफ नॉन वायलेंट एंड पीसफुल। इस बात का इन लोगों ने ऑपोजिशन किया, होम रूल के मेंबर्स ने क्या है सपोर्टर किया। तो ये तो था इंपॉर्टेंट टॉपिक। फ्रेंड्स, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट एक बार फिर से अपने इस ब्लेंडर को, ग्रेट मिस्टेक को इंप्रूव कैसे कर रही है। 1972 में ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत सारे एक्ट रिपील कर दिए थे, रिपील यानी हटा दिए थे, समाप्त कर दिए थे। 1922 में जलियांवाला बाग के बाद रोलेट एक्ट एंड हो गया था, और कब हुआ, 1922 में। इनमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिपील किए थे, रिपील मींस रिमूव्ड
रिपील किए थे वो एक्ट कौन कौन से हैं? फर्स्ट आता है रॉल एक्ट, रोल एट एक्ट, ओके, दिस वाज रिपील्ड। सेकेंड टाउंटी, सेकेंड वाज प्रेस, प्रेस एक्ट, क्योंकि जब ये लॉ पास हुआ था, जब ये लॉ पास हुआ था उस समय प्रेस पर भी कंट्रोलिंग कर दी थी इस एक्ट के अंडर में, इस एक्ट के अंडर में भी जो प्रेस था उस पर कंट्रोलिंग कर दी थी। ब्रिटिशर्स न्यू दैट द प्रेस इज ऑल्सो प्लेइंग ए वाइटल रोल इन स्प्रेडिंग द एंटी ब्रिटिश मूवमेंट, सो द लिबर्टी और द फ्रीडम ऑफ प्रेस वॉज बिकम लाइक ए सफोकेटेड, यानी उस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट की इतनी कंट्रोलिंग हो गई थी कि प्रेस की एक जो फ्रीडम है वो लगभग से समाप्त हो गई थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 22 में रोलेट एक्ट को एंड कर दिया, प्रेस एक्ट को एंड कर दिया, इसके अलावा 22 और ऐसे एक्ट थे उनको भी एंड कर दिया। और फ्रेंड्स इसी के साथ इन सब का क्या है, यह मैटर फिनिश हो जाता है। अब यहां पे क्या याद रखना, यू हैव टू रिमेंबर व्हेन इट वाज स्टार्टेड और व्हेन इट वाज एंडेड, ये एंड कब हुआ था, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फ्रेंड्स नाउ आई वॉन्ट दैट यू लेट मी डिपार्ट, आई थिंक यू हैव गॉट इट दिस टॉपिक। आई विल प्रेजेंट बिफोर यू विद सच इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ SST इन नेक्स्ट वीडियो। Till then, have a good day, have a nice day. Okay, friends.